11 अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता है, वरना यह जो है उनको इसका सबक सीखना पड़ेगा। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक संगठन का विस्तार करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर दिया। तमाम नेताओं को टास्क दे दिया है अब्दुल बारिक सिद्दीकी। तमाम वो चीजें बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैसा मास्टर प्लान तैयार किया है और क्या टास्क नेताओं को दिया है। अब्दुल बारिक सिद्दीकी को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो सदस्य उपस्थित थे, जो हमारे विधायक हैं वो उपस्थित थे, जो विधान पार्षद हैं वो उपस्थित थे, एक से MLA और एक से MP जो हैं उपस्थित थे, जो MP हैं हमारे वो उपस्थित थे। अब आज की जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई वो अगले राष्ट्रीय परिषद का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। वो राष्ट्रीय परिषद ने परिषद के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें चुनाव से संबंधित है। चुनाव की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन बुलाया जाता है और उसमें फिर से उस राष्ट्रीय परिषद के परिषद में विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के पहले मतलब कल से ही, यानी एक तरह से कहिए कि 11-12 से हमारा पूरे देश में मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई और 12 तारीख से हमारा मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई और उसके सब कार्यक्रम निर्धारित हैं कि साहब पंचायत का चुनाव कब होगा, फिर जो है प्रखंड का चुनाव कब होगा, फिर जिला का चुनाव कब होगा, फिर राज्य का चुनाव कब होगा और फिर राष्ट्र का मतलब यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव कब होगा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, ये सब है। ये इसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप भी भेज देते हैं हम लोग। आज की बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण रही है कि आज जो देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति में जो आम जन है, जो त्राहिमाम कर रहा है, जो किसानों की समस्या है और किसान का जो इतना बड़ा आंदोलन चला और उसमें करीब 750 किसानों ने जो अपनी शहादतें दी, उन सब के बारे में भी जिक्र हुआ, महंगाई के बारे में भी जिक्र हुआ, बेरोजगारी के बारे में भी जिक्र हुआ और जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी जिक्र हुआ और साथ ही साथ आज जो देश में कुछ लोग जो यह मानते हैं कि यह देश उनकी बपौती है उसको उस पर यहाँ गहरी चर्चा हुई कि इस देश के निर्माण में, इस देश को गुलामी से आज़ाद कराने की दिशा में हमारे पुरखों ने जो आदर्श और जो मार्गदर्शन देश को और हम सबों को दिया था उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तार तार कर रही है, उस पे बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और इसके साथ ही साथ कई
प्रस्ताव आए हैं उस प्रस्ताव की कॉपी भी आपको भेज दी जाएगी कि उसमें एक तो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का प्रतिवेदन होता है, जो हमारे कार्यकलाप हैं संगठन से संबंधित वो प्रतिवेदन था, एक संगठन संबंधी प्रस्ताव था, एक जो है राजनीतिक प्रस्ताव था, एक जो है आर्थिक से आर्थिक प्रस्ताव था। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही उत्साहपूर्ण जो हमारी बैठक हुई है, इससे यह सिद्ध होता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो संगठन का विस्तार है यह पूरे देश में होगा। अभी हमारा संगठन 25 राज्यों में है, इसको हम जो है पूरे मतलब पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक संगठन का विस्तार करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसका कार्यक्रम बनाया है। और जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन सबों को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो उन राज्यों में जाएंगे और वहाँ संगठन की समीक्षा करेंगे और संगठन को वहाँ सुदृढ़ करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा ने बड़े ओजस्वी ढंग से जो देश की वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह से देश में डर भय घृणा द्वेष का जो एक माहौल बनाया जा रहा है और समाज को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उस पे आज की कार्यकारिणी ने गहरी चिंता व्यक्त की है और वैसी ताकत की हम पुरजोर जो है भर्त्सना करते हैं। और हम की भी चिंता की है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो एक तरह से हमारे देश के निर्माता हैं, उनको आज राष्ट्रपिता को दुनिया आदर्श मानती है, मगर अफसोस कि भारत की सरकार और भारत की सरकार को चलाने वाली पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गाली दे रही है। जोर पार्टी ने हम सबों ने निंदा की है और यह उन्हें सचेत किया है कि ऐसे महापुरुषों को गाली देने का छोड़े, वरना यह जो है उनको इसका सबक सीखना पड़ेगा। राष्ट्रीय परिषद एवं खुला अधिवेशन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिल्ली में होगा समय पर, और समय तय होगा वो बता दिया जाएगा। समय है 11 अक्टूबर। और दूसरा जो चुनाव के लिए जो हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन जी हैं। अब और कुछ पूछना है तो पूछिए, जगदा भाई भी अपनी कुछ बात रखें। 11 अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता है, और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। और जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो उनकी अनुमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मनोनयन होता है या चयन होता है। तो आपने सुना, अब्दुल बारिक सिद्दीकी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि संगठन को मजबूत करना है। तमाम नेताओं को लालू प्रसाद यादव ने टास्क दिया है
कि जिला स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अभी गर्माहट देखी जा रही है और कहीं ना कहीं निशाना भी साध रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र सरकार पर और तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर जो नेता हैं राजद के वो अब जनता के बीच जाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने तो टास्क दे दिया है संगठन को मजबूत करने का और कहीं ना कहीं चुनावी रन में कैसे मजबूती के साथ उतरा जाए इसको लेकर भी लालू प्रसाद यादव ने तमाम नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है। खैर लाइफ स्टीज के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।